एक छोटी सी बात है जो मुझे आपको इन दोनों बसों के बारे में बतानी है। ये दोनों बसों की जो चैसी है वो अलग है। देखो ये वाली जो अशोक लेलैंड से बनाई है और ये वाली जो है वो टाटा ने बनाई हुई है। एक चीज़ देखो कि तो इन दोनों बसों में देखो जैसे कि ये कांच है वो सेम है। देखो यहाँ कोने पे ऐसा साइड लैम्प निकला हुआ है, देखो इस बस में भी निकला हुआ है। यहाँ भी देखो ये ऐसे वाइपर है, देखो यहाँ भी ऐसे वाइपर है, मतलब हर एक चीज़ सेम है। अगर देखो यहाँ पे कुछ लाइट है तो यहाँ भी देखो सेम जगह लाइट है। अगर देखो यहाँ पे ऐसे कुछ मार्किंग है तो वो यहाँ भी मार्किंग है। जो ये चेंज है वो एक इसमें गोल्ड हेडलैम्प है जो कि कंपनी देती है। इसमें आपको चौकोर हेडलैम्प मिलेगा रेक्टेंगुलर जो आपको कंपनी देती है। इसका बम्पर थोड़ा सा अलग है, इसका बम्पर थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली दोनों बसेस में क्या होता है कि ब्लू प्रिंट होता है इस चैसी का। जैसे कि अगर यहाँ हमको विंडो देनी है तो हमको यहाँ भी इसमें विंडो देनी पड़ेगी, जो कि OEM प्रोवाइड करता है चैसी को, उसके ऊपर बसेस की बॉडी कोई और बनाता है। तो कहने का मतलब यह कि ये ऑल दो अशोक लेलैंड की है या ये टाटा की है, ये सिर्फ लोगों को बैठे हुए लोगों को पिकअप में फील होगा या जो चला रहे हैं जिनके ओन करते हैं उनको फील होगा कि गाड़ी में दोनों में क्या डिफरेंस है। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे दिया सब्सक्राइब बटन ये, लाइक बटन ये, फॉलो बटन ये।